आपने देखा होगा एक बड़ा सा आजू बाजू पैलेस है और बीच में एक बहुत बड़ा मैदान है। तो ये यहाँ पर मैदान हुआ करता था मैदान शाह, जिसमें मतलब आर्मी की परेड होती थी, जैसा अभी 26 जनवरी में होते, ये आर्मी की परेड होती थी, वो लोग खेले जाते थे, हाथी वगैरह रवाना होते थे। वो जो तीन दरवाजा है उस पर आज भी परिवार के लोग बैठकर देखते थे, ये जो होता था जुलूस वगैरह निकलते थे धार्मिक मुहर्रम के या दूसरे और भी समाज के हिंदू धर्म के वगैरह, तो ये वहाँ बैठकर जो है राजी परिवार के लोग ऊपर छत हुआ करती थी, तीन दरवाजे उस पर बैठकर जो है जुलूस वगैरह लोग देखते थे। इसके चार दरवाजे थे जैसा रईस भाई ने बताया, एक सामने का दरवाजा, एक ये दरवाजा, एक खारू के नाले पे खीरू का दरवाजा बोलते हैं, अभी खारू का नाला बोलते हैं, और एक सुनहरी मस्जिद के पास, ये चार दरवाजे जो है इसके हुआ करते थे। बीच में ये बहुत बड़ा जो स्क्वायर था, बीच में एक फुहारा था जिसमें पानी जो है साबरमती नदी से आता था, ऐसा उसका अरेंजमेंट किया गया था, फुहारा चलता था। एक आप और मस्जिद देखते हैं हलीफ की मस्जिद, वो बनाई थी उसी वक्त जब बड़ी जुम्मा मस्जिद बनी, अहमद मुर्तुजा ने बनाई थी, उनका नाम के अलीफ से, अरबी में अलीफ लिखते हैं उसके नाम से, इसको अलीफ की मस्जिद के नाम से ये जाना जाता है। ये भद्र के किले की चंद तारीख है, मैं बाद में चंद हिस्ट्रियों के नाम जो है आपको, जो बड़े सल्तनत कैसे रही वो आपको बताता चलो। अहमद शाह बादशाह ने राज किया इसी, क्योंकि इसी महल में सब रहे हैं, 33 साल राज किया, 1410 से 1442। उसके बाद महमूद बेगड़ा, इन्होंने राज 9 साल उनके बेटे अहमद शाह के बाद, मोहम्मद बिन अहमद शाह, उनकी तफसील में आज मैं बादशाह के हजीरे में बताऊँगा। कुतुबुद्दीन बिन अहमद शाह उनके बेटे थे, यानी अहमद शाह के पोते ने 8 साल राज किया। उसके बाद महमूद बेगड़ा गुजरात के सल्तनत में सबसे ज़्यादा हुकूमत की, 54 साल, 1458 से 1511। उसके बाद एक बहुत इंसाफ पसंद राजा थे मुजफ्फर शाह हलीम, इनका मजार जो है महमूद बेगड़े का मजार भी सरखेज रोजे में, उनके बाद में मुजफ्फर शाह हलीम का भी वही मजार सरखेज रोजे में। उसके बाद बहादुर शाह, बहादुर बिन मुजफ्फर, इनके ज़माने में गुजरात की हुकूमत सबसे बड़ी थी, यहाँ से लेकर जबलपुर जो है ना वहाँ तक, ये मारवा मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, इधर राजस्थान, दक्षिण राजस्थान का इलाका, और यहाँ से लेके बम्बई तक इतनी बड़ी हुकूमत गुजरात की सल्तनत की। बाद में पोर्टुगीज़ों ने जो है इनका मतलब कत्ल कर दिया, और उसमें बाद में ये सल्तनत धीरे धीरे जो विस्तार की तरफ आई, बाद के जो मैंने बताया कि सल्तनत आए वो कमज़ोर हो गए। 1572 में अकबर ने अटैक किया, उसके बाद से 1572 से लेकर 1707 तक मुगलों की हुकूमत रही, 1707 से 1780 तक मराठाओं ने राज किया, और ये पूरे यहाँ के जो खंडर वगैरह जो थे हो गए। मराठाओं के दौर में ये अहमदाबाद के 8 लाख की बस्ती की सीमेंट कर 80,000 की हो गई, और इस तरह से पूरा उस दौर में अहमदाबाद तितर बितर हो गया, और उसको वापस 1780 में खानजा का दरवाज़ा, अंग्रेज़ों ने इसको यहाँ पर हुकूमत अपनी लॉन्ग टाइम के लिए कायम। दोस्तों, हेरिटेज वॉक जारी है, इंशाल्लाह अगली वीडियो अहमद शाह बादशाह के रोजे पे हाजिर होगी। जुड़े रहें और वीडियो अच्छे लाइक शेयर ज़रूर करें।